जनरल केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्टेरिक इनहिबिटेशन ऑफ द यूनेन, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारा एसिडिटी और बेस पे। ठीक है दोस्तों, इसका हम जनरल एग्जांपल लेके करेंगे। फर्स्ट हम एग्जांपल हमने ले रखा है यहाँ पे 2,6-dimethyl 4-nitroalanine। ठीक है दोस्तों, अब इसका हम दूसरा एग्जांपल लिखता हूँ आपके सामने, किस प्रकार से स्टेरिक इनहिबिटेंट रेजोनेंस का इफेक्ट एसिडिटी एंड बेसिडिटी पे पड़ता है। इसका दूसरा एग्जांपल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। इसका नाम हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 डाइमेथाइल 4-nitroalanine। ठीक है दोस्तों, दो कंपाउंड आपके सामने लिख दिए गए हैं। फर्स्ट है हमारा है 2,6-dimethyl 4-nitroalanine और दूसरा है 3,5-dimethyl 4-nitroalanine। अब देखिए इसमें स्टेरिक इन इफेक्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे रेजोनेंस पे और एसिडिटी और बेसिडिटी पे। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि लुईस एसिड और लुईस बेस के बारे में। लुईस एसिड हम उसे बोलेंगे जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, लुईस एसिड उसे बोलेंगे। लुईस बेस में जो लोन पेयर डोनेट करेगा उन्हें हम बोलेंगे लुईस बेस। ठीक है दोस्तों, इसी से हम आगे को स्टेरिक इनहिबिटेशन में एसिडिटी और बेसिडिटी का इफेक्ट समझेंगे। हम सभी जानते हैं NH2 ग्रुप के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों कंपाउंड में NH2 ग्रुप के पास क्या होगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा। और इससे पहले CH3 ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है, ये सेकेंड और सिक्स पोजिशन पर हमारा जुड़ा है। NH2 ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। दोनों कंपाउंड में यही है, लेकिन क्या है, सिर्फ पोजिशन क्या है, अलग अलग है। इसी वजह से क्या होगा, यहाँ पे एसिडिटी एंड बेसिडिटी पे, इसका बेसिडिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। पहले हम पढ़ रहे हैं भी बेस का प्रभाव, इसकी बेसिडिटी ज़्यादा होगी दोनों कंपाउंड में। ठीक है, जनरली अगर हम देखते हैं तो अगर हम बोलेंगे CH3 ग्रुप क्या है, NH2 ग्रुप के क्या है, नज़दीक है। CH3 ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। हम जनरली हम बोल सकते हैं कि NH2 ग्रुप की बेसिडिटी क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है। लेकिन वास्तविक कंडीशन में इसकी बेसिडिटी क्या है, इसको बोल लेते हैं ए कंपाउंड, इसको बोल लेते हैं बी कंपाउंड। ए कंपाउंड की बेसिडिटी क्या है, कम है बी कंपाउंड की अपेक्षा। तो ग्रेटर बेसिडिटी हम बोल सकते हैं, ग्रेटर बेसिडिटी ऑफ बी कंपाउंड, बी की ग्रेटर बेसिडिटी है कंपेरिजन टू ए। इसको हम इसका इफेक्ट किस वजह से हो रहा है, स्टेरिक इनहेबिट की वजह से। किस वजह से हो रहा है, स्टेरिक इनहेबिटेशन की वजह से। किस प्रकार से यह रेजोनेंस को इफेक्टिव कर रहा है, हम जनरली देखते हैं NH2 ग्रुप के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। अगर इसने अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से दे दिए तो हम बोलेंगे कि ये गुड बेस है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं दे पाएगा तो हम बोलेंगे कि ये इसकी बेसिडिटी अच्छी नहीं है। इसका हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के समझेंगे किस प्रकार से इसमें स्टेरिक इनहेबिटेंस में बेसिडिटी को इफेक्टिव करने वाले कौन से कारक हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, NH2 ग्रुप के साथ में क्या है, CH3 ग्रुप है। और यहाँ पे क्या है, CH3 ग्रुप किसके साथ है, NO2 ग्रुप के साथ। यह किस प्रकार से इसको इफेक्टिव कर रहे हैं, हम लेते हैं फर्स्ट वाले कंपाउंड का
कंपाउंड को जो क्या करता है, जिसका रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे और इससे पता करेंगे कि इसकी बेसिसिटी किस वजह से बी के कंपेरिजन में कम है। फर्स्ट वाला कंपाउंड को हम यहाँ पर लेके तैयार करते हैं। इस कंपाउंड का नाम है 2,6-डाइमेथाइल-4-नाइट्रोएलानिन। नाइट्रो को इस प्रकार से लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस, यहाँ पे क्या है बॉन्ड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं एनओ टू ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, इसने इससे इलेक्ट्रॉन लिए, यहाँ पे क्या है लोन पेयर। ये क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन लेगा तो अपने ये वाले इलेक्ट्रॉन को इधर डाल देगा और ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ये वाले इधर आ जाएंगे। अब एन ओ टू ग्रुप की वजह से क्या होगा, ये क्या करेगा अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। जो एन एस टू ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, अंदर की ओर आना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे। ये वाले जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं, ये नेक्स्ट वाले डबल सिंगल कार्बन वाले बॉन्ड पर आ जाएंगे और ये डबल वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन सिंगल वाले सी एच और एन एच बॉन्ड के पास आ जाएंगे। और जो सी एन ओ सी ओ की भी डबल बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन एन ओ डबल बॉन्ड पर आ जाएंगे। इसका स्ट्रक्चर हम आगे लिखते हैं किस प्रकार से ये बनता है। एन पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये वाले डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गए थे, ये वाले बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, CH3 CH3, और यहाँ पे आ गया हमारे एन माइनस। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एनओ टू ग्रुप ने इस रिंग को पूरा इफेक्टिव कर दिया, ये रिजोनेंस में सम्मिलित हो गई है। मतलब कि जो ये SH3 ग्रुप था, इसका कोई भी इफेक्ट इस वाले NH2 पर नहीं पड़ा, इसने आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन नॉन पे इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाया, क्योंकि इसका कारण क्या था, NO2 ग्रुप क्या आ गया, रिजोनेंस में आया, और जिस वजह से इसके NH2 ने अपनी NH2 अपनी प्लेनरिटी रिजोनेंस की जो प्लेनरिटी होती है वो दिखा रहा है। ठीक है, इसने बेंजीन रिंग को, जो इसकी रिंग थी, इसको इन्फेक्टेड कर दिया और लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर ले लिए, जिससे इसके क्या होगी, बेसिसिटी कम होगी। अब हम इसका दूसरा एग्जांपल लेके बताएंगे कि किस प्रकार से वह कंपाउंड ए की तुलना में ज़्यादा बेसिक है। अब हम सेकेंड वाले कंपाउंड को यहाँ पर लिखते हैं। इसका ये क्या था हमारा, NH2 4 नाइट्रो। हमने किस वजह से इसको मोर बेसिक कहा था, देखिए दोस्तों, ये क्या है, NO2 विड्रॉइंग ग्रुप है और CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और NH2 पे क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन। NO2 ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करता है, लेकिन उससे पहले ही क्या हो जाता है, NO2 ग्रुप का क्या होता है, अपना एक साइज होता है, और CH3 ग्रुप का भी क्या होता है, अपना साइज होता है। जैसे ही NO2 ग्रुप यहाँ से NH2 से इलेक्ट्रॉन आते हैं ऊपर से, ऐसे ये विड्रॉ करने की कोशिश करता है, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं, ये वाले के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जा पाते हैं, क्योंकि क्या करते हैं, आपस में रिपल्सन करते हैं, स्टेरिक इनहिबिटेशन यहाँ पे से होता है। क्या करता है, NO2 ग्रुप और CH3 ग्रुप के बीच क्या हो जाता है, रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फर्स्ट वाले कंपाउंड पे इधर शिफ्ट हो गए थे, ऐसा सेकेंड वाले कंपाउंड पे नहीं हो पाता है। जो ये वाला स्ट्रक्चर इसका नेक्स्ट इस वाले कंपाउंड में नहीं देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, और यह करता है NH2 की प्लेनरिटी क्या बनी रहती है, बनी रहती है, एलानिन की प्लेनरिटी बनी रहती है, क्यों, क्योंकि लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन NO2 ग्रुप में नहीं शिफ्ट हो पाते हैं। इस वजह से क्या होता है, अगर शिफ्ट नहीं हो पाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन मूव होके आए उनका रिजोनेंस इस टाइप से हो जाएगा। दिखाता हूँ आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर बना के, NH2 पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए थे, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ये वाले इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया, जो इलेक्ट्रॉन बने थे यहाँ पर आ गया माइनस चार्ज। ठीक है दोस्तों,
अगर ये माइनर चार्ज यहाँ पर है, यहाँ पे है एटो ग्रुप, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी CH3। ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ डाल देगा और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डाल देगा, और जिससे जो नया स्ट्रक्चर बनेगा हमारा NH2 पे क्या आएगा, फिर से अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। यहाँ पर क्या करता है, ये अपनी प्योरिटी को लूज़ नहीं करता है। इसका सबसे बड़ा कारक है स्टेरिक इनहेबिटेशन, जिसकी हम बात कर रहे थे, वो यहीं देखने को मिल रहा है। CH3 ग्रुप और NO2 ग्रुप के बीच क्या हो रहा है, आपस में रिपल्सन हो जा रहा है। रिपल्सन की वजह से क्या हो रहे हैं, जो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन NO2 में शिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं, जिससे कि आगे की ओर चले शिफ्ट हो गए हैं इसे, और ये क्या हो जाएगा, आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, डोनेट कर देगा, क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप इससे इलेक्ट्रॉन नहीं ले पा रहा है। इसी वजह से 2,3,3,5-डाईमिथाइल-4-नाइट्रो एनिलीन की क्या है, बेसिसिटी ज़्यादा है हमारे 2,6-डाईमिथाइल-4-नाइट्रो एनिलीन के कंपेरिजन में। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं एसिडिटी को। एसिडिटी को किस प्रकार से ये इन्फेक्टेड करता है, इसका फर्स्ट कंपाउंड का एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे। दूसरा कंपाउंड हम यहाँ पर लिखते हैं इसका, इसका नाम हो गया यहाँ पे 2,16-डाईमिथाइल-4-नाइट्रो-एलिनिन, नहीं, 4-नाइट्रो बेंजोइक एसिड। और इसका नाम हो जाएगा दोस्तों, देखो 1,2,3,4,5,3,5-डाई-मेथाइल-4-नाइट्रो-बेंजोइक एसिड। हम देखते हैं कि इन दोनों कंपाउंड में किसकी एसिडिटी ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया कंपाउंड ए, ये हो गया कंपाउंड बी। इन कंपाउंड में बोलेंगे किसकी एसिडिटी ज़्यादा है। एसिड उसे बोलेंगे हम, जनरली हम बोल लेते हैं एसिड उसे बोलते हैं जो एच पॉजिटिव क्या करता है, डोनेट करता है, डोनेट एच पॉजिटिव, एक्सेप्ट जो एच पॉजिटिव करेगा उसे बोलेंगे हम बेस, आरनियस के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, ये होता है हमारा आरनियस के अकॉर्डिंग, जो एच पॉजिटिव डोनेट कर देता है, नहीं सॉरी दोस्त, ब्रोंस्टे लॉरी के अकॉर्डिंग होता है, जो यह करता है एच पॉजिटिव डोनेट करता है उसे बोलते हैं एसिड, जो एच पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा उसे बोलेंगे हम बेस। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या होगा, COOH है, एच मतलब इस फंक्शनल ग्रुप को इस टाइप से लिख सकते हैं COOH। यह करेगा अपने एच को डोनेट करना है, जो इजीली वे में अपने एच को डोनेट कर देगा वो होगा गुड एसिड, और जो आसानी से नहीं कर पाएगा उसे बोलेंगे कि उतना बैड एसिड है, उतना एसिड नहीं है दोनों के कंपेरिजन में। एसिड तो होगा लेकिन दोनों के कंपेरिजन में क्या होगा कि एक ज़्यादा होगा एक कम होगा। ठीक है दोस्तों, अब जनरली मैंने बताया था यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वाले कंपाउंड को देखते हैं, ये क्या रिलीजिंग ग्रुप है CH3, और NO2 क्या है विड्रॉइंग ग्रुप है। अब CH3 में क्या है, NO2 क्या है, फिर से वही करे काम करेगा, NO2 क्या करेगा, इनसे इलेक्ट्रॉन लेगा, इस वाले ग्रुप का अगर यहाँ से इस टाइप से लिख देते हैं अगर खोल के हम, तो क्या करेगा इनसे इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ पे क्या होता है ऑक्सीजन के पास लोन पे इलेक्ट्रॉन होते हैं,
ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेना स्टार्ट करेगा। एक को मैं यहाँ पर समझाता हूँ किस प्रकार से होगा। यहाँ से 2,6 डाई जो एक को मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। OH ये हो गया हमारा CH3 ग्रुप। यहाँ पे हो गया हमारा नाइट्रो ग्रुप। यहाँ पे है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ से जुड़ा है NO2 ग्रुप के साथ। कोई भी अभी क्या मैंने पहले बता चुका हूँ, यहाँ पे क्या है नहीं है, कोई भी ग्रुप नहीं जुड़ा नहीं है। तो ये आसानी वे में इनसे इलेक्ट्रॉन पुल कर सकता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, बाकी इलेक्ट्रॉन इस पर, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ से अंदर की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था पहले, मैं इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा नेक्स्ट में, इस टाइप का स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा। सी डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ पॉजिटिव, एच सॉरी दोस्तों बताता हूँ किस टाइप से होगा। यहाँ पे ये वाले इलेक्ट्रॉन अगर इधर जाएंगे तो ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये वाले इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे अगर ऊपर की ओर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए तो अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन नीचे जाएंगे तो यहाँ पर, यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, और ये वाले ऊपर से और यहाँ पर ऐसे रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या कह रहा है, NO2 ने क्या कर लिया, अगर इसने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आए तो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस चार्ज आ जाएगा। NO2 किस में शामिल हो गया, हमारा बेंजीन की पेनल्टी में शामिल हो गया। इस वजह से क्या हो गया, इसने क्या कर लिया, NO2 ग्रुप ने अपना पूरा पेनल्टी इसमें बेंजीन रिंग में दिखा दी, जिस वजह से क्या कर रहा है, आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, जिस वजह से NO2 क्या आ गया, बेंजीन रिंग के रेजोनेंस में आ गया। इस वजह से क्या कर लेगा, ये आसानी से एच पॉजिटिव ओ एच के बीच क्या हो जाएगा, बॉन्ड भी क्या हो जाएगा, बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। अगर बॉन्ड वीक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन ये अपने एच पॉजिटिव को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। लेकिन फर्स्ट वाले इस वाले केस में क्या होगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 और 2 CH3 की ग्रुप के बीच क्या हो जाएगा, NO2 का क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। अगर रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा तो NO2 ग्रुप क्या नहीं कर पाएगा, अपनी बेंजीन के साथ क्या नहीं कर पाएगा, रिंग के साथ प्लेनिटी में नहीं आ पाएगा, और स्टक दूसरा इसका फैक्टर भी है, स्टकली इनहेबिटेशन भी होगा, यहाँ पर स्टकली रिपल्सन भी हो जाएगा यहाँ पे, और COOH ग्रुप क्या कर नहीं पाएगा, अपना एच पॉजिटिव को आसानी से डोनेट नहीं कर पाएगा। इस वजह से क्या होगा, ये कंपाउंड ए की तुलना में कंपाउंड बी क्या होगा, लेस एसिड होगा। थैंक्स दोस्तों वॉचिंग दिस वीडियो।